प्रदेश प्रयागराज में जब बसहरा में छोला और समोसा की दुकान है, रात 12 बजे दुकान में आग लगा दिया गया गांव के ही दबंगों द्वारा। उसके बसंत लाल और नौकर भी मौके पर सोए थे। जैसे आग की लपट उनके पास पहुंची तो तुरंत हल्ला किया और मोहल्ले वालों को जगाकर आग बुझाने लगे, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि भरी दुकान का सामान जलकर राख हो गया और सामान नहीं बच पाया। आग लगाने वाले गांव के ही दबंग शाम को बातचीत हुई थी। आग लगाने समय लाइट बिजली को डंडों से पीट कर लाइट काट दी गई तो उसमें आग लगाई गई। आग लगाने वाले पंचम यादव पिता वंदी यादव, योगेश यादव पिता मोहन लाल यादव, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, शाम को बातचीत किए थे आमने सामने, उसके बाद अंजाम दिया। सुबह मेजा थाने में FIR करने गए, FIR दर्ज हो गई। देखते हैं इसमें क्या करती है शासन प्रशासन। आइए दिखाते हैं धर्मेंद्र पाल की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाल इस वक्त उपस्थित हूँ ग्राम बसहरा, तहसील मेजा में आता है, थाना भी मेजा में आता है। यहाँ पे कल रात को वारदात हुआ, 12 बजे रात को कंपटीशन में दुकान में आग लगा दिया गया। उनका शरीर जो है बहुत इस वक्त नाजुक है, वो बेहोशी हालत में है, उनके घर वाले सब यहाँ पर। मैं धर्मेंद्र पाल, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। भैया आपका परिचय? सर हमारा नाम विकास कुमार यादव है, मैं ग्राम बसहरा से बोल रहा हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं और देख भी सकते हैं कि यहाँ मौजूदा हाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि थोड़ा जलन की वजह से हमारी दुकान में आग लगा दी गई है। तो हम लोग करीब यही करीबन 12 बज रहे थे, इसी टाइम आग लगाई गई थी। तो यहाँ पे कोई थे नहीं, हमारे नाना जी थे जो कि, और एक आदमी और थे उनके साथ में, हमारे वर्कर जो कि काम करते थे यहाँ पर, वो दोनों थे। तो आग पीछे से लगा दी गई, तो फिर हम लोगों को तो पता नहीं था, और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे हो गए, और हो सकता है कि बोल भी रहे थे कि देखे हैं उनको, जो मतलब कि एक वारदात किए हैं वो नाना जी देखे हैं। तो जब वहाँ गए, हम लोगों को आवाज़ दिए, तो फिर हम लोगों ने भाई यहाँ आने की कोशिश की, फिर आए देखे तो तब कुछ सब ख़त्म हो चुका था। तो वो मौके पर आपको मिले मौके? मौखिक तो नहीं मिले, नाना जी देखे थे। अच्छा, हाँ उन्होंने भागते हुए देखे थे। अच्छा, धन्यवाद। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ ग्राम बसहरा, तहसील मेजा में आता है, थाना भी मेजा में आता है। यहाँ पे कल रात को 12 बजे वारदात हुई, कंपटीशन में यहाँ पे एक हलवाई के दुकान में आग लगाया गया। जरा हम पूछेंगे, यहाँ पे बहुत सारे परिजन हैं। हाँ, आपका परिचय? भैया मैं प्रदीप यादव, हमारी दुकान थी भैया, हमारे पिताजी का नाम है बसंतलाल यादव, और रात को हमारे पिताजी, हम शाम को भैया दुकान बंद करके करीब 8:30 बजे यहाँ से घर गए। हम यहाँ 3 भाई रहते हैं भैया, दिन भर यहाँ काम करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। हमारे पिताजी और एक लड़का रहता है यहाँ दुकान पर, और यहाँ पे सोते हैं भैया। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग दुकान वुकान बढ़ा के अपना घर चले गए बंद करके। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के लेट गए भैया, और करीब 12 बजे के आसपास में हमारे पिताजी चिल्लाते हुए उधर गए कि भैया आग लग गई है, दुकान में आग लग गई है। उसके बाद हम लोग आए भैया, तो यहाँ की स्थिति इतनी बुरी थी भैया कि हमारे बड़े भाई का हाथ पूरा जल गया है। उसके बाद बचाने की पूरी कोशिश किए भैया, फायर ब्रिगेड आया, फिर भी कुछ नहीं बच पाया भैया, प्रशासन भी रात को आया था भैया। उसके बाद हम लोग हमारे पिताजी से पूछे कि पिताजी क्या हुआ था, बाबूजी क्या हुआ था, तो बाबूजी बोले भैया इधर से 2 लड़के भागते हुए गए, बोले एक का नाम पंचम है और दूसरा योगेश, आगे था वो, उसका बगल में दुकान है भैया, यहाँ से भागते हुए दिखे हमारे पिताजी को भैया, और वो लड़का भी देखा भैया, और अपने खुद को बचाने के चक्कर में भैया कोई सामान नहीं हटा पाया भैया। दुकान हमारी ठीक ठाक थी भैया, अच्छी चलती थी, पूरे गाँव के लोगों से भी पूछ सकते हैं भैया, अच्छी थी, इसीलिए भैया 2 पैसे की कमाने के चक्कर में हम लोग यहाँ पे रहते थे भैया। उसके चक्कर में भैया, जलन के चक्कर में भैया हमारी दुकान टूट दी भैया, काफी दिनों से हमारे पीछे पड़े हुए थे भैया। देखा था तो बोले, और बाबूजी को हमारे बोले कि भैया इसको भी, बुड्ढे को भी इसी में फेंक दो, जल जाए बुड्ढा भी। अच्छा,
अब हमारे बाप पिताजी बुजुर्ग हैं, वो लड़के का हाथ पैर सही नहीं है भैया, वो भी पीछा नहीं कर पाया, देखे तो जरूर उनको लो, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाए भैया, नहीं रात को पकड़ लेते तो सबको दिखा देते उसका चेहरा। प्रशासन ने आपको आश्वासन क्या दिया है? प्रशासन ने भैया हमको आश्वासन दिया है, हम भैया प्रशासन के पास नहीं गए थे, हमारे बड़े भैया हैं और छोटे भैया हैं, हमारे बड़े भैया की स्त्री अभी नाजुक है, सुबह से वो लोग वहाँ पे गए थे, रात को भी गए थे, उसके बाद हमारा छोटा भाई है जो प्रशासन के पास गया था वो अभी वहीं पर है सर, हम यहाँ पर हैं भैया, 10 लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, अब कोई पूछ रहा भैया कैसे हुआ कैसे हुआ, तो भैया क्या करें, हम यहाँ बता रहे हैं। नहीं वो तो बताएंगे ही ना, जो आपको पूछेंगे तो अभी ऐसे वारदात हुई तो कंपटीशन में हुआ कि ऐसे ही? भैया कंपटीशन में हुआ है और क्या होगा, हम किसी का नुकसान नहीं करते भैया, किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से गाली नहीं देते, आज तक किसी से भैया हमारा झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं? रात से भैया सबका रो रो के हालत हाल है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल आप उनको पहुँचाएंगे? अभी आप लोग भी देखे हैं भैया, वो आए थे अभी हॉस्पिटल गए थे, फिर वहाँ से दवा वा लेके आए, फिर उनकी हालत खराब हो गई है भैया, आपके सामने अभी आप लोगों ने देखा होगा उनको। हाँ हमारे सामने तो VOC हालत में थे, अभी उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है परिजन। और आप हे मोर भैया कुटिया में खात कमात रहे, चार ठे लड़का लेके परी रहे भैया, ये कुटिया माई है कुटिया बाबू रही भैया, ये कुटिया माई है कुटिया बाबू। आपका नाम क्या है? हमार बिटोला देवी नाम बा भैया। ओके धन्यवाद, मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से धर्मेंद्र पाल।